मलहून खातून, आखिर तुमने मुझे खबर किए बगैर ये कैसे किया? बाला खातून, सबसे पहले पुरसुकून हो जाइए। इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा सामान है मेरे जहेज का। मलहून खातून, ये सरदार का खेमा है, हर चीज कीमती और यादगार है यहाँ पर, तुम्हें यहाँ कोई चीज रखने का हक नहीं। जैसा कि आपने कहा बाला खातून, अब सब कुछ मजीद यादगार बन गया है। बिल्कुल वाज़े है कि मलहून खातून शादी होकर आई है। इसलिए तुम इस कबीले में आई हो क्या? हर चीज में दखल अंदाजी करनी है। अपना खैमा है तुम्हारा खातून, जो चाहे कर सकती हो वहाँ, लेकिन यहाँ मुदाखलत मत करना। बाला खातून, खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद उस्मान साहब, आप फतायाब होके लौटे हैं उस्मान साहब। सरदार वापस आ गए हैं, चलिए उनका इस्तकबाल करें। आपको जिहाद मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया दाऊद उस्ताद। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। जिहाद मुबारक हो उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया मलहून खातून, शुक्रिया। थोड़ी देर पहले ही आपका ये पैगाम हम तक पहुंचा है, काफिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया आपने। बमसे साहब के इंतकाम की आग जब तक रोशन है, काफिरों को कुचलते रहेंगे। आप हमेशा काफिरों पर गालिब रहें। आमीन आमीन इंशाल्लाह। मुझे मालूम हुआ कि आप आने वाले हैं तो मैंने खाना तैयार कर लिया। आप ठीक वक्त पर आए, जरूर आपको भूख लग रही होगी। पहले एक अहम मसले पर सरदारान से मुशावरत करना चाहता हूं, फिर आता हूं इंशाल्लाह मलहून खातून। उस्मान, बाला, जिहाद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया शुक्रिया।